गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर एपिसोड ऑफ सर्वाइवल सीरीज। तो जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि आज हम लोग करने वाले हैं माइनिंग। सो हाँ गाइज, आज हम लोग माइनिंग करेंगे, देखते हैं डायमंड मिलता है कि नहीं। और माइनिंग जाने से पहले हम लोग क्राफ्टिंग टेबल ले लेते हैं, और जो मतलब कि छोटे मोटे थोड़े बहुत वुड ले लेंगे, ट्री को तोड़ते हैं और वुड को कलेक्ट कर लेते थोड़े और वुड और हमें पास बहुत सारे वुड हो चुके हैं। लिख देती हूँ, मेरा घर किधर गया, अभी घूम गया क्या, अभी नहीं घूम। अच्छा इधर एकदम उसकी इसी ब्लॉक का कोऑर्डिनेट्स लिख लेती हूँ, ना तो मैं इतनी बड़ी भूल करूँ कि मुझे पक्का पता है कि मैं भूल जाऊँगी। तो लिख लेते हैं। हाँ सो गाइज, मैंने एकदम इसी ब्लॉक का कोऑर्डिनेट्स लिख दिया। अब हम लोग नीचे डिग डाउन करते हैं, उससे अच्छा कि हम लोग को एक केव मिल जाए। इसका ये ले लेते हैं, देखते हैं केव के ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अब 1.18 में बहुत बड़े बड़े केव्स होते हैं, और जैसे कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है वो लोग एक्सप्लोर करते हैं, तो एकदम मतलब इतना लावा है कि सही में हम लोग मर जाएंगे, लावा में डूब गए। और अभी हम लोग थोड़ा दूर चले जाते हैं अपने घर से, पर दूर जाने की क्या ज़रूरत है, घर के पास ही नीचे डिग करते हैं। हम लोग जाते हैं लेवल 9 पे। पहले मुझे गूगल पे सर्च करने दो कि कौन से लेवल पे मिलता है डायमंड्स 1.18 में। चलो सर्च करते हैं अभी। सो गाइस, अभी तो ये बोल रहा है -59 पे मिलने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे जाना है। -59 समझ सकते हो कितना ज़्यादा है। पहले तो हम लोग को 9 लेवल पे आसानी से मिल जाता था। हम लोग डिग डाउन करते हैं इधर से, क्योंकि उधर तक मेरा इतना थोड़ा बड़ा घर है, तो अभी इधर से डिग डाउन करते हैं या फिर इधर से ही करते हैं। ये मैं इससे क्यों कर रही हूँ भाई, इससे करते हैं, स्टोन वाले से, मतलब कि इस वाले से डिक करो। हम लोग जाते हैं माइनस लेवल पे, तब देखते हैं माइन करते हैं डायमंड अपन। सो गाइस, -59 पे तो नहीं, मैं डिक करते करते एक केव में पहुंच चुकी हूँ, मतलब केव नहीं यहाँ बहुत बोल सके, इतना बड़ा है ये। बट अभी मेरे पास टॉर्चेस बना लेती हूँ, पहले स्टिक बना लेते हैं। पहले हम लोग जो वुड कलेक्ट किए थे ना, उसका सारे का ओक प्लैंक्स बना लेते हैं, इसका थोड़ा बहुत स्टिक्स बना लेते हैं। स्टिक्स बनाने के बाद हम लोग इसका टॉर्च बना लेते हैं, क्योंकि अभी टॉर्च की बहुत सारी बताने वाली है। मैंने पूरे एक स्टैक टॉर्च बना लिया है। अभी चलो इसको लाइट करते रहते हैं। और मुझे पीछे लैपिस भी दिखा था, इधर गया लैपिस, टॉर्च लगाते इधर ही है लैपिस, अच्छा पीछे नहीं था, इधर था। अब इस लैपिस को तोड़ते हैं स्टोन के पिकैक्स से, क्योंकि स्टोन के पिकैक्स से भी लैपिस टूट जाते हैं। बट ये एक लैपिस ही है जो कि एक थोड़ा सा रेयर है, और जो कि स्टोन के पिकैक्स टूटता है। और मेरा वो भी बढ़ चुका है, जो लेवल है 4 हो चुका है एक्सपी लेवल, इसको भी तोड़ते हैं। आयरन भी कलेक्ट करेंगे हम, और अभी लगता है आयरन ख़त्म भी हो चुका है। अभी इधर लगाते हैं टॉर्च, ड्रिप स्टोन है यार, ये क्या है इधर, ये वंडरिंग ट्रेडर कहाँ से स्पॉन हो गया। चलो इसे ट्रेड करके देखते हैं, तब बेकार लोग दे रहे हैं। रुक, मेरा वैसे एक्स किधर गया, एक्स ये रहा मेरा एक्स, और मेरा एक स्टोन का पिकैक्स ख़त्म हो गया था। आप देख सकते हो कितना कम था उसका लेवल, और इसीलिए मैंने एक और स्टोन का पिकैक्स बीच रास्ते में बना दिया था। अभी इन दोनों को तो छोड़ो, लामास तो बेकार ही होता है, लामास का तो कुछ हो भी नहीं सकता, वो लोग एक नंबर के फालतू लोग हैं। मुझे बस लीड चाहिए था, और लीड मुझे मिल चुका है। अब -15 या फिर ऐसे पे कुछ मिलने वाला है, मतलब कि बहुत नीचे मिलेगा। ये क्या है इतना बड़ा सी, वो भी इतने छोटे से,
इस पे इसको तोड़ते हैं और ड्रिपस्टोन भी कलेक्ट करते हैं। बट ड्रिपस्टोन का क्या करूँगी मैं, बोलो बात है ना। अभी इधर हम लोग को थोड़े और लैपिस मिल चुके, बट मेरे पास 21 लैपिस हो चुके हैं, शायद 3 लैपिस तोड़ गए सिर्फ और सिर्फ। तो भी ले लेते हैं ये लैपिस भी, ये लैपिस को भी कलेक्ट कर लेते हैं हम। कलेक्ट कर लिया मैंने, और इधर लामा को घूमने देते और हम लोग अपना इधर टॉर्च लगाते। इधर भी आयरन है, आयरन तो हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि डायमंड मिलेगा भी तो 3-4 मिलेगा, और तो हम लोग पूरे डायमंड का सूट तो नहीं बना सकते ना, इसलिए और नीचे चलते और गहराइयों में ढूंढने के लिए डायमंड्स। बट मुझे नहीं लगता कि इधर कोई डायमंड मिलेगा क्योंकि ये बहुत छोटा सा है, आपने देख लिया वैसे तो ये बहुत छोटा सा है। और अभी हम लोग अपना ढूंढते घर किधर, मतलब कि कहाँ से हम आए थे, शायद किधर से हम आए थे, इधर से आए थे एकदम इधर। तो इधर जाके देख लेते एक बार, इधर क्या फ्लावर, इधर कौन प्लांटेशन करता है, ज़ॉम्बीज करता है अब। बट एक बात है, मुझे अभी तक ज़ॉम्बी या फिर क्रीपर नहीं दिखा भाई। क्रीपर तो एकदम मतलब हर जगह उसका ढेरा रहता ही है, बट अभी तक मुझे कुछ दिखा ही नहीं। अभी चलो और नीचे चलते हैं एकदम इधर से, इस ब्लॉक से इधर ही हम लोग आए थे, और नीचे चलते हैं और माइनस पे चले जाते हैं, 59 पे, -59। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं उधर डायमंड। गाइज आई एम नॉट लाइंग, मैं नीचे डिगी कर रही थी कि मुझे डायमंड दिख गया। माय गॉड भाई क्या चल रहा है गाइज। सेम मैंने डायमंड को इधर रखा नहीं है। ओ माय गॉड, ऐसा डायमंड ऐसे तुरंत मिलता है क्या? बस नीचे डिग कर जाओ और डायमंड बीच में ऐसे ही रास्ते में आ गया। आई कांट बिलीव यार, क्या डासू है ये। और अभी इसको इधर लगा देते टॉर्च को। टॉर्च इधर नहीं लगना है ना तुझे, इधर लगना है। ओके दम ढंग से डिग करो, अभी डिग करो। हम लोग -45 पे पहुंच चुके हैं और हम लोग को जाना है -59 पे। सो अभी हम लोग -57 पे और नीचे चलते हैं, -59 पे। बस 2-3 ब्लॉक दो हो गया, हम लोग पहुँच चुके हैं -59 पे। अब डिग करते हैं, बस हम लोग माइन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। डायमंड इधर भी डायमंड, सही में -59 पे इतने डायमंड्स, और नीचे बेडरॉक है, हैं बेडरॉक के लेवल पे आ गए हम भाई। गाइस इतने नीचे अब डायमंड मिलता है, ऊपर नहीं मिलता। मतलब डायमंड तो 1.18 में बहुत ईजी हो चुका है, क्योंकि इससे पहले जब मैं 1.17 में थी तब मुझे डायमंड मिलते ही नहीं थे। कितना भी दिक्कत दे रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है आगे भी हम लोग को डायमंड मिलने वाला है। डायमंड को तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पहुँच गए हम लोग अभी। इससे मतलब कि वो सही बताया था जो मैं गूगल पे देखी कि हम लोग को -59 पे डायमंड्स मिल चुके। अभी देखते हम लोग के पास पूरे 9 डायमंड हो चुके गाइस, मतलब कि बहुत हो चुके। चलो और डिक करते। सो गाइस अभी तो मैं डिक कर रही थी बट मुझे मिला ही नहीं, मतलब कि हमेशा बेडरॉक आ गया, मतलब कि इस तरफ मैंने बहुत डिक किया बट अभी मुझे नहीं मिला। तो अभी हम लोग इस तरफ डिक करेंगे, चलो देखते हैं इधर भी डायमंड मिलता है कि नहीं। सो गाइस इधर बहुत डिक किया बट अभी भी तो हम लोग ने थोड़े बहुत तो डायमंड फाइंड कर लिए। अब ये 9 डायमंड का हम लोग क्या करेंगे, देखते क्या करेंगे। मेरे पास बहुत सारे कॉबलस्टोन है, इसको ये लगा के ऊपर चलते हैं। चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो। ऊपर पहुंचने के बाद देखें कैसे हम लोग अपने डायमंड का क्या यूज़ करते हैं, चलो देखते हैं। सो गाइस जब मैं ऊपर आ गई थी कि मुझे आयरन मिल गया, तो आयरन तो हम लोग ले लेते हैं क्योंकि आयरन बहुत काम की चीज़ है। कलेक्ट हो जा, नीचे गिरा, नीचे गिर गया आयरन। चलते हैं, जितने भी हार्ट का डैमेज हो नहीं होना हुआ, इतना ज़्यादा हुआ मुझे। ऊपर चलते हैं, कोल भी दिख रहा है पर चले। सो गाइस फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं और हम लोग चलते अपने घर में।
चल घुस जा। अब ये जो हम लोग का बेकार का सामान है हम लोग नीचे रख देते हैं, तो हमने चेस्ट बनाया है, तो चेस्ट भी बना लेते हैं। और इधर ही हम लोग अपना चेस्ट को रख के इधर अपना सारा बेकार का सामान रख देते हैं। रखो रखो, ये वुड का सामान अभी तक मेरे पास नहीं। और मुझे कोल चाहिए, बट मैं भी वुड का यूज़ कर लेती हूँ एज फ्यूल। और अभी हम लोग मुझे पता है थोड़ा बेवकूफ़ी होगा क्योंकि हम लोग को पहले डायमंड के टूल्स बनाने चाहिए, बट अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम माइनिंग जाएंगे तो हम लोग डायमंड का कुछ और बनाएंगे। वाओ, एकदम चमकता हुआ चेस्ट प्लेट बन गया। अब मैं एक डायमंड का चेस्ट प्लेट पहनूंगी बिना आयरन का या फिर लेदर का कुछ पहने। देखो चार देखो ये हटाया तो मेरा जीरो आर्मर था ऊपर, देख सकता। अरे हट जा हट जा। अरे यार हट ही नहीं रहा, चार बढ़ गया मेरा आर्मर का। इसको ले लेते हैं, स्मेल्ट हो गया। तो पहले हम लोग आयरन की सॉर्ड बनाएंगे क्योंकि स्वॉर्ड की जरूरत है, क्योंकि अभी जॉम्बी वॉम्बी क्रीपर व्लीपर आ जाएंगे ना तो मेरे मार डाले जान से। और इसको पहन लो, इसको पहन ले। वाओ, अब मैं पूरी तैयार हूँ, बट बस मेरा जूता ही नहीं है। बस जूता यार, बस जूता, बस जूता होता ना तो हम पूरी कंप्लीट हो जाती। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही था, और माइनिंग और करेंगे बट मैं ऑफलाइन करूँगी, तो अगर आपको डायमंड दिखे तो प्लीज़ मत बोलना कि चीटिंग से आ रहा है। वो मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।